ग्वालियर में ईसीएस कोचिंग के संचालक दीपक शर्मा ने ईसीएस कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले मेघावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। यह मेघावी विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2023 से 2024 में उत्तीर्ण हुए। विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को भविष्य के लक्ष्य निर्धारण के लिए प्रेरित और उनका उत्साह बढ़ाया गया। साथ ही सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं भी दी गई। डायरेक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि हमारे यहां से 12वीं इंग्लिश क्लास में 130 से अधिक विद्यार्थियों के 90 प्लस नंबर आए हैं। आर्ट्स क्लास में नितिन शर्मा द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थियों की 92% रही है, जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। और आपने कोचिंग का कहां ली? ईसीएस क्लासेस। ईसीएस क्लास में? तो ईसीएस क्लास में कोई लिया आपने? और भी तो कोचिंग थे? और भी कोचिंग थी, लेकिन हमारे स्कूल के बहुत सारे टॉपर्स इधर से ही गए थे। टॉपर्स गए? हाँ। आपने क्या किया इस साल? मैं भी यहाँ पढ़ के टॉपर बनी अपने स्कूल की। कौन से स्कूल में? सरस्वती शिशु ज्ञान मंदिर हाई स्कूल। और आपने की कोचिंग थी वो कहाँ लिया? मैंने ईसीएस क्लासेस आशीष सर पर। जी, तो आपके कितने परसेंटेज बने? मेरे 81%। और आपके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं? हाईएस्ट हिंदी में 94। क्या कारण है कि सर के आप में पढ़ा, आपको क्या लगा, अच्छा कैसा लगा कि इतने मार्क्स आए आपके? क्या वो स्कूल से नहीं आ पा रहे थे, क्या कारण बताया? मुझे, मैं पहले 11th में आई थी, तब मैंने पढ़ के देखा था, तब मुझे वहाँ मतलब उस साल अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि 12th में भी इधर ही लगाया जाए, तो मैंने इधर ही लगाई, इसलिए मुझे अच्छा लगा। हर्ष सिंह। हर्ष सिंह, हाँ। कौन से स्कूल में थे? TPS कॉन्वेंट स्कूल। और आपने टॉप कहाँ से किया? ईसीएस क्लासेस से। जी, सबसे पहले मैंने जॉब की तैयारी की, और मेरा पहले जब मैं तैयारी की, दो बार NDA भी क्वालिफाइड किया, उसके बाद कुछ इशू रहा, उस वजह से नहीं हो पाया। फिर मुझे लगा कि हमारे दीपक शर्मा जी हैं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया पढ़ाने के लिए, तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। जब मैं क्लास 12th में ही था, 12th जस्ट मैंने पास किया, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, तब से लेके आज तक हम लोग ECS क्लासेस को आगे लेते चल रहे हैं, और हर साल की तरह हर साल बहुत आगे हो गए। आज आप ग्वालियर में कहीं भी खड़े हो गए, नाम लेंगे ECS क्लासेस का, तो आपको कोई बच्चा ही बता देगा कि हाँ ECS क्लासेस है, एक ब्रांड चलता है, नाम चलता है।